गुड मॉर्निंग। आज मुंशियारी में भी मौसम देखो ऐसा ही है, पूरा बादल बादल घिरा हुआ है, बारिश हो रही है, रात भर होती रही। यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने डाली थी कल रात में कि सूख जाएंगी, कुछ भी नहीं सूखा है। जो पानी की बूंदें हैं वो वैसी की वैसी ही इन पे पड़ी। आज हमारा प्लान था नंदा देवी जाने का, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से बारिश होती रहेगी तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा और भी कोई ज़्यादा सामान भीगे, क्योंकि भीगा गीला सामान रखने से वेट भी बढ़ेगा और मज़ा नहीं आएगा। तो पहले प्लान था कि बाहर जाएंगे मुंशियारी मार्केट में कुछ खाएंगे, पर अभी मौसम को देखो अगर आप तो बारिश तो फ़िलहाल बंद हो गई है, पर मौसम कुछ इस तरीके से है, बादल पूरा घिरा हुआ है। तो खाने के लिए मंगा लिया है, पूड़ी आ गई है, पूड़ी है, पूड़ी सब्ज़ी। ये बाकी हम लोग को ये पता चला है कि अभी एक रास्ता जो है वो टूट, शायद कुछ डैमेज हुआ है रास्ते। हमारे साथ रुके हुए थे वो लोग, चेकआउट करके जा रहे थे पर रास्ता डैमेज हो गया, तो वो वापस आ गए हैं। तो होपफुली हमें कल रास्ता मिलेगा ठीक ठाक। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बादल कहां से आ जाएंगे। एक्चुअली अभी सब बादलों का ही ये टाइम है, तो पहाड़ पर पूरा बादल बसा हुआ है, बस वो गुजर रहे हैं यहाँ से। छाता ले लिया है, जा रहे हैं अब हम लोग मुंशियारी मार्केट की तरफ और नंदा देवी मंदिर देखना है। तो कल का जो वीडियो था वो अपलोड हो चुका है, इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। होटल में वाईफाई के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करी पर वाईफाई भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो हमारे होटल से मुंशियारी मार्केट और मुंशियारी मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर और आगे नंदा देवी मंदिर है, तो हमारे होटल से अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर हो गया। और छोटा सा मंदिर है पर अच्छा है, अभी ट्रैक करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है तो हम लोगों ने नंदा देवी मंदिर का ट्रैक रखा आज के लिए। और यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार होता क्योंकि यहाँ से घाटी है और बादल है, पर अभी सारे बादलों ने घेर रखा है। तो अगर आप कभी मुंशियारी में हैं तो नंदा देवी आ सकते हैं, अच्छी जगह है, मौसम वेदर क्लियर हो तो आप यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, पार्क है बड़ा सा। तो 8 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए वापस हम लोग, नंदा देवी टेम्पल गए थे। तो होटल से हमारे 4 किलोमीटर नीचे जा कर के मंदिर है और फिर वापस 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके वापस आए होटल। तो फिलहाल अभी पूरा भीग गए थे फिर से एक बार क्योंकि बारिश हो रही थी और वाटर क्रॉसिंग भी थी रास्ते में, जिसकी वजह से हम लोग भीग गए, हमारे जूते और मोजे फिर से एक बार भीग चुके हैं। तो कोई व्यू है नहीं, आज संडे है और संडे होने की वजह से उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन लागू है, सारा मार्केट दुकानें भी सब कुछ बंद हो चुका है। तो वापस होटल आ गए हैं, होटल में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, आज का दिन जल्दी ख़त्म करेंगे और फिर कल सुबह निकलते हैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ। उधर से बादल आ रहे हैं इधर से होते हुए और इधर बाहर निकल जा रहे हैं, पूरा बादल बादल, वाह भाई वाह। मौसम गीला गीला सा, ठंडा ठंडा सा, हर चीज गीली गीली, हर चीज ठंडी ठंडी। तो ये है मिलम इन जहाँ पे अभी फिलहाल रुके हुए हैं।
अच्छा है, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़ा सा बाथरूम है, थोड़ी ग्रीनरी है, अच्छे सुंदर फूल खिले हुए हैं।